बड़ा रिस्क भी जिंदगी में कभी नहीं लिया। बॉर्डर पुलिस में टोको वाले पास मेरे पासपोर्ट, तो मैं गाने में फिर रहा हूँ। मेरे वीजे की कॉपी थी जो हार्ड कॉपी थी, वो पता नहीं कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हेयर। आज मैं गाना से जा रहा हूँ टोगो। आज बिल्कुल फुल लोकल एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब ये पीछे जो हाई रूफ नज़र आ रही है, आगरा से बैठा था सुबह 4 बजे, तो टोगो के बॉर्डर पे इसने छोड़ना है, तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके तो फिर आगे टोगो। लोकल एक्सपीरियंस इन अ सेंस, कल मैं स्पेशल गया था इनके अड्डे पे, एसटीसी की बस पे जाके मैंने इनसे सीट बुक करवाने की कोशिश की थी कि मुझे फ्रंट पे सीट चाहिए। कल कह रहे थे नहीं, ओके कोई मसला नहीं है, आ जाना, नंबर शंबर अपना दिया भाई, 20 और 20 उनका जो लोकल है, जो भी करेंसी है सीटी, वो मैं एक्स्ट्रा लूँगा और मैं फ्रंट की सीट दिलवा दूँगा, ठीक है भाई। सुबह सुबह फ़ोन कर उस बंदे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो मुझे सीट मिली है ना, मैं एंड पे इंतजार करता रहा हूँ, मैं कह शायद कोई हेल्प कर ही दे, लेकिन बिल्कुल एंड पे 4 लोगों की जो सीट होती है उसके सेंटर में बिठाया हुआ है, ना इधर जाने वाला ना उधर जाने वाला, किसी साइड पर ना सो सकता है अपना तसली से। सुबह क्योंकि मैं 3 बजे उठा हूँ, मैं ये था कि बस में जाकर थोड़ा नींद पूरी कर लूँगा। अच्छा बस मेरी जा रही है, बाकी सोचना आपको वहाँ जाकर बताता हूँ। बाकी मैंने सोचा था कि बस में बैठ कर नींद पूरी कर लूँगा, लेकिन इस माहौल में कहाँ नींद आती है, तो इसी तरह जाके, लेकिन अब तो थोड़ी कोई रोशनी हो गई है, तो वो जो थकावट जी थोड़ी कम हो गई है, सुबह सुबह काफ़ी थकावट। अपने घर जाना है। चलो जी, बिल्कुल सामने है बॉर्डर मेरे, पहले इस साइड पे गाना का बॉर्डर है, उनका जो सिंबल है स्टार वो बना हुआ है, फिर क्रॉस करके मुझे लगता है फिर आगे दूसरी साइड पे इमिग्रेशन होगी टोगो की, विच इज़ नॉर्मल। अब देख रहे हैं कितना तंग करते हैं। अंकल बता रहे थे कि टोगो में कोई उनका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। 2 hours later इतना रिस्क भी जिंदगी में कभी नहीं लिया। बॉर्डर पुलिस में टोगो वाले पास मेरे पासपोर्ट, तो मैं गाने में फिर रहा हूँ। मेरे वीजे की कॉपी थी जो हार्ड कॉपी थी, वो पता नहीं कहाँ पे, उसी कॉपी से गुजरने नहीं दिया, और एक बाबा साहब उसके साथ मुझे भेज दिया, उन्होंने कहते जाओ उसकी अगर कॉपी करवा लेते हैं। मोटरसाइकिल बैठा के कोई 3-4 किलोमीटर में जाके ले आया, रास्ते में ये सोच रहा था लेके मुझे किधर जा रहा है, मेरा पासपोर्ट है, तो भी उधर टोको वाली एम्बेसी में खड़ा है बॉर्डर पुलिस के पास। You said 500. I do have a question. Take 600, but give me 400 back. No, I have a question. How much you have? Why you didn't tell me there? No problem, if you go there, please. Keep it, it's okay. Thank you. Hey. Is it a restaurant? Good morning. Speak English? Small, it's okay. You have something to eat for breakfast? Food, I don't know. You have egg, omelette? Egg. Egg and bread? Egg. Yeah? Yeah. I will sit them first. ऑमलेट तो अच्छा लग रहा है इनका, और जितनी समझ आई है उस लिहाज से मैंने खाना ऑर्डर कर लिया। जितना समझ नहीं आ रही थी कि मेन्यू होता क्या, मेन्यू का ऑमलेट ही मैंने कहा चलो ला दो, वो तो चलो पता ही हो रहा है ऑमलेट क्या होता है, ब्रेड के साथ ऑमलेट गुजारा करते हैं, तो वैसे ऑमलेट अच्छा बहुत लग रहा है यार, मेरी भूख ज़्यादा लगी। जैसे भाई को वैसे आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मेरी पाकिस्तान में वीडियो है ना, उनमें ज़रूर देखा होगा आपने। ये कज़न है मेरे, पहले ऑफ कोर्स पाकिस्तान होते थे, तो अब ये टोगो में रहते हैं, तो जो अगले 4-5 दिन है वो इंशाल्लाह इनके साथ ही घूमेंगे। तो ये थोड़ा सिटी से बाहर रहते हैं, आज शाम को हमारा उधर जाने के प्लान है जहाँ पर ये एक्चुअल रहते हैं, तो ये है कि थोड़ा सिटी देख लें, थोड़ा अंदाज़ा मेंटली थोड़ा पता लग जाएगा किस तरह का है टोगो, इनका कल्चर, यहाँ के लोग, फिर आपको कल को जो अगला व्लॉग है ऐसे उसमें फिर आपको ज़रा ना इनकी विलेज लाइफ दिखाऊंगा। तो आज थोड़ा सा ये आपको बीचेस और यहाँ के जो म्यूज़ियम है, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, और ये जो कैपिटल सिटी है इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ।
speak English? No. Pas de photo musée. Vous voulez me... A little bit? Pas de photo musée. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये गुलामों भी कैन चाचे ना मैं बंदे से स्वाद इंदे अनाथ ने ना ना स्वाद इंदे सी ओने ना बंदे से म्यूजियम में ना कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, थोड़ा बहुत उन्होंने अपना कल्चर प्रेजेंट किया हुआ है, इस जगह पे कल्चर दिखाया हुआ है कि हिस्ट्री में कैसे रहते थे। तो जो मेन इसमें जो एक वाहे चीज़ नज़र आती है ना, वो इनकी गुलामी नज़र आती है। ये सामने भी जो मूर्तियाँ सी पड़ी हुई हैं, चेने डाल के उनको बिठाया हुआ है, पीछे इसके ना ट्रेनें भी पड़ी हुई हैं उस ज़माने की ओरिजिनल, क्योंकि जो फ्रेंच जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो यहाँ से स्लेव लेके जाती थी, स्लेव ट्रेडिंग यहाँ भी होती रही है। यहाँ पर भी इन्होंने एक अड्डा यहाँ करीब बनाया हुआ है, देखेंगे टाइम मिला उधर जाने का। तो वो सारी स्लेवरी की हिस्ट्री भी इन्होंने यहाँ पर रखी है। उसके बाद ये है कि अपने किस तरह इनके घर होते थे, किस तरह यहाँ पर रहते थे। और नीचे अगर दूसरी गैलरी है उसमें इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है इनकी इंडिपेंडेंस की, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा तहरीकें नहीं चलानी पड़ी थी इंडिपेंडेंस के लिए। 1960 में कहीं ये आज़ाद हुए थे फ्रेंच से, उस वक्त भी इन्होंने सिर्फ दरख्वास्त दी थी यूरोपियन यूनियन में, कुछ डेफिनेटली थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ी थी, तो फ्रांस ने ऑटोमेटिकली फिर ये आराम से ही जगह छोड़ दी थी। हिसाब ला इतने के प्रेजिडेंट तो बाद सारी पावर थे को लग गई, चाहे लोग उठ उठ के सलाम कर रहे हैं उधर ही है म्यूजियम वाले उठ के सलाम कर रहे, आओ जी आओ, आओ जी आओ, याद कि आंदा नहीं इन्होंने को या कोई जान पहचान ज्यादा ही है सादा लोग हैं। हाँ मैं हिसाब ला रहा अली का, मैं कहना 3 दिन बाद इमीग्रेशन जाना, मैं बहस बूस की बाद च मैं मन गया, कहना नहीं 2 दिन बाद, मैं कहा मैं फिर बहस की एक दिन नहीं ना कर दे बगैर हेलमेट तो या मोटरसाइकिल वगैरह तो दूसरे राउंड तो लेने हैं 1000-1500। अच्छा साढ़े तो लेने 10,000। अच्छा तो घट भी नहीं करते है, इन्होंने पता है कि इन्होंने दे के जाने हैं, फिर उन्हें ही फड़े गए हैं, फड़े गए तो फड़े गए। ये इनका इंडिपेंडेंस मोनूमेंट है, अगली तरफ से मैं आगे जब देख रहा था लड़की की शेप मुझे लग रही थी, पता नहीं क्या इसका चक्कर है, आगे जाके देखते हैं इसका डिज़ाइन ऐसे क्यों बनाया हुआ है। वही इंडिपेंडेंस मोनूमेंट जो समझ आई है वो यही है, वो लड़की की तस्वीर बनाई है इन्होंने ना, अगर राइट एंगल से देखें तो आपको लगता है कि लड़की ऐसे करके, तो वो एक्चुअली टोगो वो अपना कल्चर और वो क्योंकि बीच में कुछ और सिम्बल्स भी हैं वही प्रजेंट कर रही है कि हमें आज़ादी मिल गई है, वो लड़की ऐसे कर गया, तो वो इन्होंने सिम्बल बनाया है, कुछ और ख़ास नहीं है, सिर्फ हर मुल्क में ही होता है इस तरह का कोई नहीं। पहुँच गए हैं यहाँ पे एक बीच, मतलब थोड़ा सा रिजॉर्ट सा, प्राइवेट रिजॉर्ट सा, कुछ फैसिलिटीज होंगी बीच के वास्ते, सारी बीच का ये इलाका है सारा साफ साफ, लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होंगी, लेकिन इधर ना पीछे का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश की जितनी खुशी आज मुझे होनी है ना ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, 3 दिन से झुलस रहा हूँ और पानी की बिल्कुल पानी में असर नहीं आ रहा मुझे युगाना में, 2 दिन सिर्फ एक दिन नहाया हूँ, दूसरे दिन तो बिल्कुल पानी नहीं था, कल के दिन परसों का नहाया हुआ था, यहाँ आगे जरा खुला पानी मिला, लेकिन उम्मीद है कि बीच पे चलो समंदर का पानी तो है ही है, लेकिन बाकी जो इनका अपने वाशरूम में पानी छानी का इंतजाम ओके होगा, बाकी बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। टू हॉट मैन कहते हैं जी, बैग लेके जाना अलाउ नहीं है उधर, सुंदर स्विमिंग सूट सारा कुछ मतलब शॉर्ट्स वगैरह लग रहा है, रात को या माहौल ठीक है। हाँ 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 ये बार भी क्यों चेक करें, ये जो पीछे आपको सारा नज़र आ रहा है ना ये सारी बारिश है, आ तो रही है उस साइड से बारिश, बाहर लग रही है ठंड, समंदर का पानी गर्म है, ऊपर से हो रही है बारिश,
जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं ना वो ज़्यादा ठंडे है। समुंदर भी नजर आए चाहे मेरे जो तैरने के स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छी बात है ना ये थोड़ा सा कवर किया हुआ, हालांकि जितनी ज़्यादा वेव्स है इस जगह पे तैरना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल था मेरे ख्याल से। जो सर्दियों में आप आगे नहीं बैठ गए, हर तरफ से तुम्हें जकूजी नहीं चेक की होनी, इतने तो वैसे लभनी भी नहीं, जो थोड़ा लगा ना चक्कर जर्मनी फिर इतों लग जाओ एक जगह मज़ा आएगा। तो जे तुम आए कि दिसंबर च फिर तुम फिनलैंड लैके जाना, आइस बात तो बाद सोना तो जकूजी सारा कुछ बोल दोगे नहीं सर जे तो फिनलैंड जाना फिर सर्दियों जा रहे पिछे। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, यू आर टू मच रेनिंग। अच्छा ये वही कोस्ट है जहाँ पे कल गाना में फिर रहे थे ना, वही समंदर इस तरफ, इसकी भी सैंड गोल्डन सी है और पानी भी इसका साफ है खूबसूरत। और ये इन्होंने ना जितना भी कोस्ट का इलाका है, मतलब थोड़ा समंदर लगता है ये नॉर्थ की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, टोगो जो नक्शे में देखते हैं ना, तो कोस्ट के साथ शायद कोई 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर होगा एक साइड से दूसरी साइड, तो उसके साथ सारी इस तरह की इन्होंने प्राइवेट बीचेस बनाई हुई हैं, मतलब पब्लिक बीचेस भी हैं जहाँ पे फिर हर किस्म के लोग हर किस्म के इवेंट्स सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा रिलैक्स करना है या खाने खाने की फैसिलिटीज़ भी हैं आराम से बैठ के आप धूप भी सेक सकते हैं जिनको ज़रूरत होती है। जगह ज़बरदस्त थी लेकिन अब क्योंकि बारिश आ गई है तो बीच वाला मौसम नहीं रहा, अब जितनी भी दुनिया थी वो सारी जो इन्होंने शेल्टर से बनाए हुए हैं उसके अंदर जाके हम बेसिकली निकले हैं यहाँ से, थोड़ा सिटी देखते हैं शाम को अगर मौसम अच्छा हो तो फिर दोबारा बीच वाली साइड पर जाने का प्लान है। दूसरा यहाँ पर खाना खाने का प्लान था लेकिन अभी उनका वो ओवन शवन पिज्जे वाला गर्म नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगना है, और जो बारबेक्यू है वो शाम को होता है, शाम को देखेंगे, अभी भूख लगी हुई है। अभी यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है लोमे सिटी में, तो वापस सिटी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ आगे खाना भी खाते हैं और थोड़ा सा सिटी और एक्सप्लोर करते हैं, शाम को अगर तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया तो फिर वापस आते हैं जो इनकी बीच पे एक्टिविटीज़ होती हैं तो फिर उन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। अरे आम तो मैं बड़ी दूरों लभद आया, गाना तो आम तो बकवास से टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं आम तो स्नेहन ऐसे मज़ेदार है ना, खीर खाते पाकिस्तान वालों बेहतर है बहुत। अच्छा मैं ये पहले अमर ने दसिया सी, अमर क्योंकि इतने रह गया नाइजीरिया। अच्छा बताने में ये लगा था कि यहाँ पे जो ज़्यादातर बिजनेस है ना जो भी मार्केटें वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो चीज़ें सेल कर रहे हैं सारी औरतें हैं, पिछला जो इनका ट्राइबल सिस्टम होता ना उसमें यही होता था कि औरतें सारा काम करती थी, मर्द सिर्फ भेड़ बकरियाँ चरा लेते थे या शिकार कर लेते थे, बाकी खाना पकाने घर बनाने तक सारा काम औरतें करती थी। और मैंने कहा वही अभी तक चलता आ रहा है इस कल्चर में कि मर्द सिर्फ ला के थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं चीज़ें चीज़ें आगे पीछे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी का बिज़नेस है चीज़ें सेल कर रहे हैं वो सारी औरतें बैठी हैं। मैं वही कहना जिन्हें जिन्हें रोटियां ना दो तीन होर भी मंगा लो, मैं आगे सोच रहा मैं पंज की करनी है। नहीं वो उस दिन बड़ी रोटियां सी पता नहीं कितनी रोटियां, करो यार सिर्फ भूख लगी है रुकया नहीं जा रहा। One eternity later. ये थे जी प्रॉन्स गार्लिक और ये चिकन की कोई डिश थी, मिर्च शरीर में डाली हुई है, टेस्ट अच्छा था मसालों का। यहाँ से निकलते हैं आगे आप पर हम जाके दोबारा बीच दिखाते हैं जो एक्चुअल बीच है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, खुद ये लोग फन करते हैं। पब्लिक बीच है यहाँ पे, वैसे नॉर्मली वीकेंड पे बड़ा
अच्छा माहौल बताया जाता है कि होता है। बहुत किस्म के यहाँ पर स्टॉल्स, फेस्टिवल्स और म्यूज़िक, ड्रमिंग, सारा कुछ चल रहा होता है। आज शायद मौसम इतना अच्छा नहीं है, बीच वाला तो शायद कम लोग हैं, ये भी हो सकता है कि शायद थोड़ा सा देर से लोग आए, लेकिन अभी तो वैसे सनसेट होने वाला है। अगर तो बादल ना होते तो मुझे लग रहा है कि बड़ा खूबसूरत व्यू होना था, क्योंकि सारा इधर पहाड़ के ट्रीज है पीछे, उसी तरफ पीछे सनसेट हो, लेकिन किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन परसों दोबारा आ रहे हैं इसी सिटी में, आज रात में चले जाना यहाँ से। लेकिन जो वीलॉग के लिए यही था, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.